की थले के सोटर में जो गेट के सामने हमारी कमेटी के वॉलेंटियर हैं, गेट के सामने जो कमेटी के वॉलेंटियर हैं, दर्शक सोचे थे कि इतना दूर जा रहे हैं, कितना जोर दौड़ेंगे। फुल एंटरटेनमेंट, पूरा मजा। और महेश की द्वारा दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए नहीं हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अब बारी है यूसुफ की, अच्छा चकमा दिया गोलकीपर को। बहुत ही अच्छा गोलकीपिंग का प्रदर्शन एससी ब्लैक टेलीकॉम के गोलकीपर के द्वारा। अब जर्सी नंबर 10 क्रोमा के द्वारा। शीशा अगर टूट जाएगा, गाड़ी का कुछ खराबी होगा तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। गाड़ी वाले ने आपको देख लिया, अगर कुछ छूट फूट गया तो फिर समझ जाइए पनिशमेंट आपको देना है। और उधर जो ब्लैक वेगनर ना कौन सा गाड़ी है, वहां दो सज्जन आप लोग बैठे, क्या आप ही लोग का है ना दादा, वो गाड़ी आप ही लोगों का है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। में कोई बैठा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में तो ऐसा कभी इतना क्राउड और ऐसी दीवार ही नहीं देखी। और उधर गेम के पेड़ के ऊपर उन्होंने चप्पल एकदम ऊपर टॉप में रख दिया, और आदमी थोड़ा नीचे देखे लेफ्ट साइड के स्कूल के भाई। ये दीवानगी कहीं ना कहीं कमेटी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है। दीवानगी जोखिम भरा है, थोड़ा सा संयमित। आप जो एक अच्छे खेल प्रेमी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रहकर ही मैच का आनंद लें। क्योंकि आप जहां जहां चढ़ रहे हैं, हमें देख के डर लग रहा है कि भाई आप इतने ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं।
तो डीजी डीजी जनरेटर के ऊपर जो भी बंदे बैठे हैं, डीजी के ऊपर आप सभी बैठे हैं, तो मेहरबानी करके उनसे उतर जाएंगे। डीजी के ऊपर जो भी बैठे हैं, डीजी के छत पर आप लोग उतर जाएंगे। Thank you.